नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं। बड़ी चर्चा। राजधानी लखनऊ में रोजगार के लिए हजारों बेरोजगार आए दिन अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन शायद उनका ये शोर राष्ट्रपति के आगमन की वजह से सत्तासीन नेताओं को सुनाई नहीं दे रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला हो या फिर पुलिस के रिक्त पद की बात हो, इन बेरोजगारों की आवाज कोई नहीं सुन रहा है। सरकारें तमाम दावे तो करती हैं रोजगार बांटने की, लेकिन ये तस्वीरें इन दावों की धज्जियां उड़ाकर रख देते हैं। कुछ दिन पहले बेरोजगार शिक्षकों का प्रदर्शन, तो वहीं आज लखनऊ के अजरतगंज में 3528 पदों पर सिपाही भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हुए विधान भवन के नजदीक पहुंच गए। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर ज्ञापन लेकर इको गार्डन भेज दिया। तो हजारों की संख्या में यहां पर ये तमाम लोग पहुंचे थे। हालांकि इससे कहीं ना कहीं ये साबित हो जाता है कि अब आवाज युवा बुलंद करने लगे हैं, क्योंकि बेरोजगार शिक्षक भर्ती के बाद अब पुलिस की भर्ती में भी देरी को लेकर नाराजगी साफ झलकने लगी है। तो लखनऊ में इससे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती के मामलों में 3 गुट बट गए थे, जिसपे उन लोगों की मांग थी आरक्षण को लेकर, 22,000 पदों को जोड़ने को लेकर। वहीं आज पुलिस में भी इसको लेकर पुलिस की जो भर्ती नहीं हो रही है, जिस पर तमाम अभी भी 3528 पद रिक्त बचे हुए हैं, तो उन रिक्त पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है सिपाहियों की, इसको लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया कि जो रिक्त पद बचे हुए हैं उस पर नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है। 2015-2013 के नियुक्ति पर रुकी हुई है। बता दें आपको कि 2013 में 3,000 पद, 2015 में 9,000 पद, ऐसे तमाम 39,000 भर्ती वाले खाली रिक्त पड़े पदों पर भर्ती की जाए रोजगार, ताकि लोगों को मिल सके, उसको लेकर यूपी पुलिस के अभ्यर्थी उतरे सड़कों पर। बता दें वहीं कोर्ट की तरफ से भी भर्ती बोर्ड को कहा गया कि भर्ती बोर्ड भरेगा, यानी कि कोर्ट का जब फैसला आया तो वो सरकार की तरफ आया, तो इस पर भी लोगों के अंदर रोष है कि अगर ये फैसला लेना था तो पहले ले लिया जाता, इतना समय क्यों कोर्ट की तरफ से लग गया। तो इन तमाम चीजों को लेकर नाराजगी है कहीं ना कहीं लोगों के अंदर, जिसको लेकर लगातार अभ्यर्थी पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और अब पुलिस भर्ती को लेकर सड़कों पर अभ्यर्थी उतरे दिखे, और इनकी मांगे साफ है कि रिक्त पड़े पदों को भरा जाए ताकि रोजगार मिल सके। युवा परेशान है, बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, इसको लेकर जो स्थान रिक्त पड़े हुए हैं आखिरकार सरकार उस पर नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है। तो अटकी पड़ी भर्तियों पर नियुक्ति आखिर कब, बेरोजगारी कब खत्म होगी, युवाओं को रोजगार कब मिलेगा, जब जो सरकारी भर्तियां हैं उस पर ही अभी तक फैसले नहीं हो पा रहे हैं। तो लगातार सरकारों से अपील की जा रही है कि अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, विधान भवन के नजदीक भी पहुंच गए। बता दें कि LIU तंत्र कितना कमजोर आज साबित हुआ, ये भी उसका एक उदाहरण है, क्योंकि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति 2 दिन के दौरे पर है लखनऊ में, और उसके बाद इतना बड़ा प्रदर्शन हो जाता है और राजभवन तक अभ्यर्थी प्रदर्शन करने के लिए विधान भवन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन किसी को कानोकान खबर नहीं होती। वहीं उसके बाद समझाने के बाद तमाम अभ्यर्थियों को इको गार्डन भेजा गया, तो आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। तो युवा प्रदर्शन करने पहुंचे थे, इस पर उनकी कई तरह की मांगे थी। प्रदर्शन में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो रिक्त पद है उस पर नियुक्ति क्यों नहीं हो पा रही है। 3429 रिक्त पद पुलिस डिपार्टमेंट में पड़े हुए हैं, उस पर नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है। वहीं पिछड़े वर्ग 1,000 लाभार्थी आरक्षण से वंचित है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा भर्ती को भी लेकर 5844 सीटों पर आरक्षण घोटाला भी 69,000 शिक्षक भर्ती में सामने आया है। आपको बता दें आरक्षण को लेकर मांग भी है शिक्षक भर्तियों की कि 22,000 पद और जोड़े जाएं 69,000 में। वहीं आरक्षण को लेकर भी अलग मांग है, तो 3 गुट बटे थे जिसमें तीनों गुटों की अलग अलग मांग थी।
वही कोर्ट की तरफ से भर्ती बोर्ड को कहा गया है कि भर्ती बोर्ड डिसाइड करे कि किसे भरना है और कैसे भरा जाएगा, इन नियुक्तियों को कैसे संचालित किया जाएगा। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं लोग और रोष है लोगों के अंदर, साफ तौर पर देखा जाता है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल से भी लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, रोजगार नहीं है और बेरोजगारी दर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उसके बावजूद जो रिक्त पड़े स्थान है उसको क्यों नहीं भरा जा रहा है, इस पर सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो वही इस वक्त हमारे साथ अभ्यर्थी राजन जायसवाल जुड़ चुके हैं। राजन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर किन मांगों को लेकर आप लोग सड़कों पर उतरे हैं और क्या वजह रही, क्या मांगे हैं आपकी? और उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का एक अभ्यर्थी हूँ, जिसमें हम लोगों की जो 69,000 की भर्ती है उसमें हम आरक्षण पीड़ित है। हम लोगों को जब लिस्ट में नाम आया तो हमने देखा कि हम सारे आरक्षित भाई बाहर हो गए थे, कुछ बच्चों को छोड़ के सारे बाहर हो गए थे। जितना 27% हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए था ओबीसी को और 21% हमको एससी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसमें से हमको आरक्षण नहीं मिला। इस संबंध में हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए, वहाँ शिकायत किया, उसकी साल भर सुनवाई चली और लास्ट बार सुनवाई करने के बाद आखिरी में 29 अप्रैल को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपना निष्कर्ष दिया। उसमें उन्होंने दिखाया कि 58-44 जो पिछड़ों की सीट थी वो अनारक्षित वर्ग से भर दी गई है। अब इसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बेसिक के अधिकारियों को 15 दिन का समय दिया था कि आप आइए यहाँ विभाग में जवाब दीजिए कि आप ये बच्चों का जो परेशानी हो रहा है उनको दूर करिए। लेकिन 15 दिन छोड़िए मैम, 50 दिन से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन बेसिक के अधिकारी आज पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं गए और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी हम जाते हैं तो कहते हैं कि जब तक सरकार नहीं आएगी, जब तक बेसिक अधिकारी नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे। इस संबंध पे हम उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से और स्वतंत्र देव अध्यक्ष बीजेपी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश है उनसे मिल चुके हैं। बार बार हमको आश्वासन ही मिलता है लेकिन आज तक हमको न्याय नहीं मिल चुका। हाई कोर्ट में भी बहुत सारी याचिकाएं दायर की जो गई है जिसमें सब कहा गया है कि पिछड़ों वर्ग को 27% आरक्षण नहीं दिया गया और एससी वर्ग को भी 21% आरक्षण नहीं दिया गया। मैम ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में लिखा गया हुआ है कि जो 58-44 सीट थी पिछड़ों की वो अनारक्षित वर्ग को दे दी गई है। जो इस भर्ती में अभ्यर्थी थे उनको दिया जाना चाहिए था लेकिन अधिकारियों ने जानबूझ के अपने चहेतों को भरने के लिए हम बच्चों की सीट को अनारक्षित वर्ग से भर दिया और अब 58-44 सीट जब बाहर निकल के आई है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग बार बार आयोग बुला रहा है दिल्ली में, हम बच्चों तो जाते हैं लेकिन बेसिक अधिकारियों को 15 दिन का समय दिया गया 29 अप्रैल के बाद। लेकिन आज देखिए मई चल रहा है मैम, जून स्टार्ट होने वाला है लेकिन बेसिक अधिकारी वहां जा ही नहीं रहे। अब हम इतने परेशान हो गए, हमको समझ नहीं आ रहा कि हम किसके पास जाएं किसके पास ना जाएं। इसी संबंध में अब हम किसके पास जाएं, आप क्या हैं, आप हमारी आवाज उठाएं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे हाईकोर्ट में याची है, जितने भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग में शिकायत करता है, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचे तो हम पिछड़ों और दलितों को जल्द से जल्द न्याय दिलवाएं। जितने भी हम पिछड़े और दलितों का सीट हकमारी की गई है हम बच्चों को दिया जाए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग में हमारे फेवर में रिपोर्ट लगा दिया जाए, हाई कोर्ट में भी हमारे फेवर में रिपोर्ट लगा के हमको जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। बिल्कुल, इस पर भाजपा नेता भी हमारे साथ आकाश राय जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाश जी। लेकिन मैं, आपने सुना होगा कि किस तरह से अभी जिस तरह से अभय ने बोला कि वो परेशान है आरक्षण को लेकर, वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की अगर आप बात करें तो 5844 पदों पर घोटाले का साफ तौर पर आरोप स्पष्ट हुआ आरक्षण को लेकर। आप क्या कहना चाहेंगे, कौन है इन तमाम घोटालों का जवाबदेही, क्यों आरक्षण के आधार पर लोगों को अभी तक नियुक्त नहीं किया गया और 69,000 शिक्षक भर्ती लगातार हम सुनते आ रहे हैं 2018 से कि इस पर भर्तियां नहीं हो रही। आखिर इन पदों पर भर्तियों को नियुक्ति कब मिलेगी, कब ये चीजें सुनिश्चित हो पाएंगी? ठीक है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है वो जनता को समर्पित सरकार है, लोगों को समर्पित सरकार है और अगर कहीं पे कोई समस्या है तो समस्या का समाधान करने के लिए सरकार तत्पर रहती है हमेशा। लेकिन आप भी जानते हैं और सारा देश और सारा विश्व एक कोरोना की महामारी से पिछले 1.5-2 साल से जूझ रहा है, तो एक बड़ा फैक्टर उसमें ये भी है
इस वजह से हो सकता है कहीं कोई समस्या रही हो, लेकिन जो भी समस्याएं हैं उनका निदान होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये उसकी मंशा है कि कहीं तो किसी को लोगों को परेशानी ना होने पाए, सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए नहीं उतरना पड़ता अगर निदान हो रहा होता। अभय की बात आपने सुनी, किस तरह से वो बोल रहे हैं कि 15 दिन का आश्वासन दिया जाता है लेकिन 50 दिन हो जाते हैं उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कितनी बार अभ्यर्थी चक्कर काटे दिल्ली के? और नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं कि अभी आप देखिए, अभी अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, अभी लॉकडाउन चल रहा था, अभी भी साप्ताहिक लॉकडाउन अभी भी लगा हुआ है, सैटरडे और संडे को लॉकडाउन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक कोरोना महामारी ने हम सबको परेशान किया है। एक बात बताइए ना, नियुक्ति को लेकर लॉकडाउन और इससे क्या मतलब है? नियुक्ति भर्तियों को लेकर इस पर क्या आप इसको कोरोना का क्यों हवाला दे रहे हैं? इस पर नियुक्ति दीजिए ना। नहीं, मैं जो खाली रिक्त पद भरे हुए उस पर आप रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं लोगों को? वैसे ही बेरोजगारी दर इतनी बढ़ती जा रही है। जो आपने 50 दिन की बात की, मैंने उस बात पे ये बात कही, और अभी आपने अपनी रिपोर्ट में कहा और आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में भी कहा कि 2013 की कुछ भर्तियां हैं, कुछ पद रिक्त हैं, 2015 के कुछ रिक्त हैं। तो जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहीं ना कहीं जो एक बड़ा गैप छोड़ा हुआ था तो उसको भरने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है, और निश्चित तौर पर हमको भरेंगे, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो या पुलिस भर्ती का मामला हो या कोई अन्य मामला हो। हमारी सरकार निसंदेह रूप से ये चाहती है कि लोगों को रोजगार मिले, और हम उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। किस तरह से चाहती है आकाश जी, किस तरह से चाहती है? आज सिपाही भी उतर आए, उनको उन्होंने कहा कि 3528 पद रिक्त पड़े हुए हैं। कौन कौन से ऐसे संस्थानों की आप बात करेंगे जहां अभी तक पद इतने रिक्त पड़े उसके बावजूद नियुक्ति नहीं हो रही है? क्यों ऐसी इतने लंबे क्यों पड़ी हुई है ये नौकरियां? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप ये समझाइए ना, ये स्पष्ट कीजिए। नहीं देखिए, हमारे हमारे पूजनीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले ये बात बोली थी कि जिन जिन विभागों में जहां जहां पद खाली हैं उन पदों को जल्दी से जल्दी हम भरें, और उसके लिए पूरी प्रक्रिया सरकार में चल रही है, और वो हम जितनी भी भर्तियां जिस जिस विभाग में है जहां जहां पद रिक्त हैं उन सबको भरा जाएगा। यही बात तो मैं अपने शुरुआत में भी मैंने कहा अपने वक्तव्य में, और मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इसमें परेशान होने की बहुत जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से सरकार चाहती है कि जहां जहां पे भी पद खाली है उसको हम भरे हैं। ठीक है आकाश, अभय आपको क्या लगता है, जिस तरह से आकाश कह रहे हैं कि परेशान होने की अभ्यर्थियों को जरूरत नहीं है, तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा जी, मैं बताना चाहूंगा, बेसिक विभाग में पूरे काम हो रहे हैं, कोरोना काल में भी पूरा काम किया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से काम कर रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं लेकिन उनकी बात नहीं मान रहे हैं। इसके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 70,000 शिक्षक भर्ती में जब अनियमितता पाया था तो इसके लगा दिया था कि बिना यहाँ से निस्तारण हुए हम ये भर्ती नहीं पूरी करेंगे, लेकिन उस इस्टे की भी अवहेलना करके 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी कर दी गई। और यहाँ तक देखिए मैम, 69,000 पूरी करने के बाद भी आज 6 महीने बाद हमारा मामला निस्तारित नहीं हो पाया, साल भर से हम परेशान है। 6 महीने बाद ये क्या करते हैं कि थर्ड लिस्ट अभी 2-3 दिन पहले फिर विभाग निकाल देता है, लेकिन बेसिक के इन्हीं अधिकारियों को जब बुलवाया जाता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में तो मुंह छिपाकर ये जाते नहीं है, ना तो कोई जवाब दे रहे हैं। 50 दिन से अधिक का समय हो चुका है लेकिन हम इतना बच्चे परेशान हो गए। मैं इलाहाबाद से बार बार दिल्ली जा रहा हूँ, बार बार सुनवाई में जा रहा हूँ, बार बार लखनऊ में जा रहा हूँ, यहाँ उप मुख्यमंत्री केशव जी से मिल रहा हूँ, लेकिन आश्वासन के सिवा हमको कुछ मिल नहीं रहा। उपाध्याय जी से मिल रहा हूँ, जाके उनके आवास पे मिल रहा हूँ, लेकिन आज तक हमको आश्वासन के सिवा न्याय नहीं मिला। हम तो भैया जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये राष्ट्रीय प्रवक्ता, हम तो चाहते हैं कि जैसे भी हमारा मामला निस्तारित करवा दीजिए, सरकार तक हमारी बात पहुंचा दीजिए, जितने भी हम शिकायत करता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में या फिर हाई कोर्ट में सरकार तक पहुंचाइए कि हम वंचितों हम पिछड़ों को जल्द से जल्द न्याय दिलवाएं, हमारे फेवर में रिपोर्ट लगवा के मामला पूरा से पूरा निस्तारित करवा दें, क्योंकि भर्ती पूरी हो चुकी है, अब हमको न्याय कौन देगा, न्याय कब देगा, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा मैम कि अब हम किसके पास जाएं, किससे कहें। इसकी जवाबदेही आपको सुनिश्चित करेंगे आकाश जी। आकाश जी बताइए किसके पास जाए, क्योंकि आपकी ही सरकार है और आपकी ही सरकार में ये अभ्यर्थी परेशान है, लगातार चक्कर काट रहे हैं, सुना आपने दुख दर्द वो बयां खुद कर रहे हैं कि क्यों इतनी बड़ा घोटाला हो रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने हालांकि 5844 पदों पर अभी घोटाले आपको सबूत दिया उन्होंने खुद कि आरक्षण को लेकर कितना बड़ा घोटाला हुआ है 5844 पदों पर।
नहीं देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की जहां तक आपने बात किया तो केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसी के अंतर्गत की यह संस्था है, और उसमें भी लोग जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हुए लोग हैं। तो और जब तो वो ये बात को मान रहा है कि हाँ, अगर उसके बावजूद वो बता रहे हैं कि 5844 पदों पर घोटाला हुआ है, तो मैं आपकी ही बात कह रहा हूँ कि अगर वो हमारे लोग ही वहाँ पे बैठे हुए हैं और अगर वो लोग ये बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता तो है ना, कि हाँ हम मान रहे हैं कि अगर इन्होंने कहीं पे अधिकारियों ने गलती की है तो उस गलती को सुधारा जाएगा और उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। अभी 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 जो तो आप लोग मंच पर आके ये बोल देते हैं कि नहीं वो हमें इतना लोकतंत्र है उनके पास, वो बोल रहे हैं कहीं ना कहीं हुआ होगा, कहीं ना कहीं हुआ होगा, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बात तो यहाँ पर आके फंस जाती है ना। नहीं नहीं कार्रवाई निश्चित तौर पे होगी, और अभी जो आपने जो अभ्यर्थी बैठे हुए हैं इन्होंने खुद कहा कि पूजनीय मुख्यमंत्री जी इनकी बात को सुनते हैं, इनकी बातों को समझते हैं, इनकी पीड़ा को समझते हैं और उसको निस्तारण कराने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन समझते होते तो आज शायद अभ्यर्थियों को प्रदर्शन करने की नौबत ना आनी पड़ती। उन्होंने कहा वो चाहते हैं कि समझे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की तरफ से ही आयोग की तरफ से हम ये मांग करते हैं कि वो सुने हमारी मांगों को, मुख्यमंत्री तक लेके जाए। आकाश जी पूरी बात सुनिए उनकी। नहीं निश्चित तौर पे उनकी बात सुनी जा रही है और उनकी बात को ऊपर पहुंचाया भी जाएगा, और कहीं पे अगर कोई समस्या है तो समस्या का निदान होगा। मैं इनको आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई भी समस्या अगर है, आपने जो बातें बताई हैं ये बातें मैं खुद ऊपर ले आके कहूंगा कि ऐसी ऐसी समस्या इन अभ्यर्थियों के साथ है और यहाँ पे भी कुछ कमियां रह गई हैं, इन कमियों को दूर किया जाए। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भी जो बात कही उस बात को भी आपको यही समझना होगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में जो लोग बैठे हुए हैं, जो उसके चेयरमैन है या जो सदस्य लोग हैं या उपाध्यक्ष हैं, वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हुए लोग हैं। अगर वो इस बात को मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम सत्य का साथ दे रहे हैं। आकाश जी बात तो सवाल यही पड़ जाता है ना, 69,000 शिक्षक भर्ती मामला 2018 से चला आ रहा है, अभी नियुक्ति को लेकर थोड़ा रास्ता साफ हुआ तो अब आरक्षण पर पेच फंस गया, तो ऐसी दिक्कतों का सामना कब तक करते रहे युवा, कब तक बेरोजगारी के लिए बैठे रहे, वो रोजगार के लिए कब तक ऐसे धक्के खाते रहे? नहीं नहीं कब तक उनको इंतजार, हमारी सरकार ऐसी सरकार नहीं है कि 2013 2012 और उस समय की जो चीजों को पूर्ववर्ती सरकारों ने फंसा के रखा है उस प्रकार से हमारी सरकार काम नहीं करती है। अगर कहीं पे कोई कमी है तो उस कमी को हम दूर करने का पूरा प्रयास करते हैं। आपकी सरकार को 4.5 साल हो गए हैं, आपकी सरकार भी तो थी, इस 4.5 साल कम होते हैं। अगर आप कोरोना का हवाला दे रहे थे, कोरोना में ऐसी कौन सी चीजें रुक गई? अयोध्या महाकुंभ हुआ, आपकी रैलियां हुई, हर चीज हुई, तो अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर रोक है। आप लोग कह रहे हैं कि पदों को लेकर नियुक्ति हो जाएगी, कोरोना काल की वजह से थोड़ा रुका हुआ था, स्टे था, बाकी चीजें तो बहुत अच्छे से हो रही थी। नहीं प्रदर्शन देखिए, लोकतंत्र में सबका अपना अधिकार होता है, अगर कोई प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसमें समस्या नहीं है, लेकिन जब उनकी बातों को हम सुन रहे हैं उसका निदान करने का प्रयास सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी लगे हुए हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि भाई देखिए अगर कोई चीज कोई समस्या कहीं है तो उस समस्या को दूर करने के लिए कुछ समय लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इनको अकेला छोड़ देंगे और इनको हम ऐसे ही जाने देंगे। तो इनकी समस्याओं को सुनके उसका निदान किया जा रहा है। आप लोगों को कितना समय चाहिए सिपाही भर्ती को लेकर, कितना समय चाहिए शिक्षक भर्ती को लेकर, कितना समय चाहिए और तमाम पदों पर जो अभी रिक्त स्थान पड़े हुए हैं और भी कई ऐसे विभाग हैं, उन पर कितना समय आपको चाहिए? समय अच्छा सुनिश्चित कर दीजिए, समय सुनिश्चित कर दीजिए। समय सुनिश्चित करने की बात पूजनीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है, अभी 15 दिन पहले उनका वक्तव्य था कि जिन जिन विभागों में जहां जहां पद रिक्त हैं उन पदों को 1 से 2 महीने के अंदर हम भरेंगे, और उसपे सरकार की पूरी प्रक्रिया चल रही है, सरकार उसपे तत्पर है, और जिस जिस चाहे वो पुलिस विभाग की बात हो या फिर किसी अन्य विभाग की बात हो, जहां जहां पे भी पद रिक्त हैं उन पदों को भरा जाएगा। और रही बात जो आरक्षण की इन्होंने बात की कि अगर कहीं कोई वहां पे खामी रह गई या टेक्निकल कोई गलती हुई है तो उस गलती को भी सुधारने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। ठीक है, अभय आपको क्या लगता है जो ये बातें तमाम आकाश राय बोल रहे हैं तो आप क्या इनकी बात से संतुष्ट हैं? मैं इतना बड़ा आरक्षण घोटाला हो गया भारतीय जनता पार्टी की
सरकार में समझते वही इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा मैं आपको 2 मिनट रोकूंगी। अजय जी आपको क्या लगता है जिस तरह से लगातार भर्तियों को लेकर रिक्त पड़े स्थानों को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? उत्तर प्रदेश सरकार जिसने पिछले समय 14 लाख प्रतिवर्ष रोजगार की बात की थी अपने चुनावी घोषणा पत्र में, जी 70 लाख के सापेक्ष आज तक 4 लाख भर्ती कर पाई, जैसा कि सरकार ने निरंतर मीडिया के माध्यम से विज्ञापनों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को बताने का काम किया, लेकिन वो 4 लाख भी भर्ती पूरी नहीं कर पाई। आप देखें शिक्षक अभी आंदोलनरत थे, बेसिक शिक्षा के लोग, प्राइमरी स्कूल के टीचर, अभी होम्योपैथ के तमाम फार्मासिस्ट जो कल धरने पर थे, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के लोग धरने पर थे, सिपाही अभ्यर्थी चाहे वो 2015 की भर्ती हो, 2018 की भर्ती हो, जो 2018 बी की भर्ती हो, निरंतर आंदोलन के माध्यम से सरकार के प्रतिनिधियों से मिलकर अपनी हक और अधिकार की मांग को कर रहे हैं। सरकार को तो संवेदना दिखानी चाहिए, सरकार को इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए, लेकिन आज किसान का बेटा, गरीब का बेटा सड़कों पर आंदोलन करने पर बाध्य है और सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। कहाँ गया आपका वादा? लेकिन अजय जी बताएंगे तो कि पिछली सरकारों ने जो गलतियां की हैं उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा, लेकिन समय लग रहा है, बस समय चाहिए हमें थोड़ा। ये कौन सा समय चाहिए? अब चुनाव आने वाला है, 2015 की भर्ती है, 2018 की भर्ती है, 2018 बी की भर्ती है, आपने जितनी वैकेंसी निकाली उतनी वैकेंसी पूरा नहीं कर पाए, कौन सा कारण है? क्या सड़कों पर नौजवानों को अपने हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है? ठीक है आकाश जी, क्या कहना है आपका? भूखे जिस तरह से अजय कुमार लल्लू जी ने कहा कि कहीं ना कहीं अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं इसलिए। नहीं, अजय कुमार लल्लू जी ने जो बात कही है उनको उनकी प्रासंगिकता उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में कितनी है ये उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको बता दिया। आज ये इनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में 5वें नंबर की पार्टी है। आप सोचिए कि जो सबसे पुरानी पार्टी है उसकी हैसियत यह है कि वो 5वें नंबर की पार्टी उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। मैं यहाँ पे राजनीतिक बात नहीं करना चाहता था, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं उसमें राजनीति लेके चले आए। मैं अध्यक्ष, ये कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष जी हैं, मैं उनसे यही बात कहूंगा कि जो कमियां पूर्ववर्ती सरकारों में थी उस कमियों को दूर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और हम उसको पूरा कर भी रहे हैं। आप ही अपनी बात में कह रहे हैं कि 2013 की भर्ती, 2015 की भर्ती, तो 2013 में किसकी सरकार थी, 2015 में किसकी सरकार थी? तो इन सब चीजों को देखने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता ये बेहतर तरीके से समझती है। शिक्षक भर्ती का मामला लंबित पड़ा हुआ है, नहीं तो क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में लोगों की नियुक्तियां नहीं हुई, लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं? कुछ अगर कहीं कमियां रह गई हैं, मैंने पहले भी कहा कि अगर कहीं कोई फॉल्ट हुआ है तो उसको दूर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कर रही है। सीधे कह रहे हैं कि आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में 5वें नंबर की पार्टी है, आपको तो पता ही नहीं है यहाँ की जनता की परेशानी क्या है। मैं समझता हूँ आकाश जी शायद भ्रम की स्थिति में जी रहे हैं, और जो हालात है, स्थिति आज, नौजवान बेरोजगार सड़कों पर आंदोलनरत है। अभी पिछले समय जितनी भर्तियां निकली हैं उन भर्तियों की स्थिति और आलम को देखिए, कहीं ना कहीं कोर्ट के शरण में है। कौन सी ऐसी स्थिति है कि अगर आप बेसिक शिक्षा की भर्ती निकालते हैं, दरोगा की भर्ती निकालते हैं, सिपाही की भर्ती निकालते हैं, यूपीएससी की भर्ती निकालते हैं, उसमें भ्रष्टाचार खुलकर सामने आता है? ये जो नौजवान है, मैंने 2013 नहीं कहा, 2015 का, 2018 का, 2018 बी का, मैंने सदन में सवाल किया था सरकार से, क्या उस समय सरकार को इसे संज्ञान नहीं लेना चाहिए? अगर सड़कों पर हम लोग आंदोलन करके रोज बेरोजगारों के सवाल को उठा रहे हैं तो क्या सरकार को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? अगर ये अभ्यर्थी जो अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं, क्या सरकार को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? सरकार तो हेडिंग मैनेजमेंट में लगी है। तो आपको क्या लगता है योगी सरकार जी, संज्ञान नहीं ले रही है? आपने उत्तर प्रदेश में लोगों को ऑक्सीजन के अभाव में तड़पा तड़पा के मरने पर विवश किया और आज फिर इन नौजवानों को बेरोजगारी का दंश
इस अर्थ पर आपने मजबूर कर दिया है कि आज नौजवानों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। रही बात राजनीतिक प्रतिद्वंदता की, वो जनता तय कर देगी। क्या कहना है आपका, जिनको आप पांचवे नंबर की पार्टी कह रहे थे उनको आपसे ज्यादा शायद तक पता है कि क्या समस्याएं चल रही हैं और किस वजह से नियुक्ति नहीं हो पा रही है। नहीं नहीं देखिए, ये सिर्फ भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं लोगों के बीच। अभी इन्होंने ऑक्सीजन की बात किए चले आए, ये कोरोना काल की वो भ्रम की स्थिति है। नहीं नहीं, आप मेरी मेरी भी बात हो जाने दीजिए। इन्होंने जो बात किया कि ऑक्सीजन से लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन फिर ये बताना भूल जाते हैं कि सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई, वहां पे किसकी सरकार है। राजस्थान में मौतें हुई, वहां पे किसकी सरकार है। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है। आप सिर्फ ये बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है, इनकी जो प्रभारी है उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी वाड्रा जी, उनको कोई समस्या हो, सारी समस्या उत्तर प्रदेश में दिखती है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसे जाते हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं, उसके लिए इनका ट्वीट नहीं आता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई छोटी से छोटी घटना होती है तो ये ट्विटर पे ये लोग आ जाते हैं, कर रहे हैं, समस्याओं से जूझ वो रहे हैं। उनकी मैंने भी जुड़ा हुआ है अभी तक, उनको बताइए की कब इन पदों पर नियुक्ति होगी। आरक्षण में जो घोटाला सामने आया है जिसके लिए वो परेशान है, चक्कर लगा रहे हैं, 22,000 और पदों को जोड़ने की मांग हो रही है, ये तमाम मांगे जो है, कब कार्रवाई होगी। मैंने पहले ही कहा कि पूजनीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 15 दिन पहले ये आदेश जारी किया है कि जिन भी विभागों में कहीं भी किसी भी विभाग में जो पद रिक्त है उन रिक्तियों को हम भरेंगे, और उसके लिए सरकार पूरी प्रक्रिया कर रही है और जल्दी से जल्दी सारे विभागों में जहां जहां पे भी पद खाली है उसको हम भरेंगे। 2000 शिक्षक भर्ती का मामला चला आ रहा है और अब जाकर 2021 में नियुक्ति को लेकर आप लोग हुए, उसके बावजूद लगातार आप ये कह रहे हैं कि अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। अब 2018 से कितना और समय, अभी आपको क्या लगता है जो ये आश्वस्त कर रहे हैं आपको, क्या आप आश्वस्त हो रहे हैं इनकी बातों से? आपको लग रहा है क्या किस कार्रवाई होगी? बिल्कुल भी मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ। मेरा केस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में 1 साल से चल रहा है और मुझको योगी सरकार में न्याय नहीं मिल पा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है योगी सरकार में इतना बड़ा घोटाला अधिकारियों ने कैसे कर दिया। क्या उन्हें माननीय मुख्यमंत्री का डर नहीं है? क्या भाजपा सरकार का डर नहीं है कि अधिकारी अपने मन से अवैध रूप से लड़कों को अंदर कैसे भर सकते हैं और आप पिछड़ों और दलितों को कैसे बाहर कर सकते हैं? और मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इन अधिकारियों पे मुझको भरोसा बिल्कुल नहीं रहा। मैं तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन अधिकारियों का आप क्या करेंगे अजय जी, आकाश जी? मैंने पहले ही कहा कि इन अभ्यर्थियों के साथ उत्तर प्रदेश की जो भी समस्याएं हैं, जिन भी लोगों को, चाहे ये अभ्यर्थी हो या कि कोई और समस्या किसी को है, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है। और अगर किसी अधिकारी ने कहीं कोई गलती की है, कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं कोई उन्होंने अपराध किया है, तो उनको दंडित करने का भी काम हम करेंगे। मतलब आप मुझे ये बताइए, आप ये सुनिश्चित करेंगे कि ये जो घोटाला हुआ है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की तरफ से, उस पर कार्रवाई की जाएगी? 3528 पदों पर सिपाही भर्ती को लेकर काम किया जाएगा, बिजली विभाग में जो रिक्त पद पड़े हुए हैं उनको लेकर काम किया जाएगा ताकि रोजगार मिल सके, लोगों को रोजगार की जरूरत है इस वक्त। मैंने पहले ही कहा और इस आपकी डिबेट में मैंने ये बातें 3-4 बार ये मैं बात बोल चुका हूँ कि पूजनीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश जारी किया है सारे विभागों को कि जहां पे भी कहीं कोई पद रिक्त है उन पदों को भरा जाए। अब इससे ज्यादा मैं और क्या आश्वासन दे सकता हूँ जब मुख्यमंत्री जी हमारे खुद कह रहे हैं। ये दावे कितने ज्यादा जमीनी स्तर पर स्पष्ट होते हैं क्योंकि लगातार अभ्यर्थी परेशान हैं, तो जरा सरकार को उनकी ओर नजर फेराने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, आकाश जी और अभय, आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मैं आशा करूंगी कि जिस तरह से अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी जो मांगे हैं वो जायज हैं, तो उनको तुरंत से तुरंत हल किया जाए। और 3528 पदों पर सिपाही भर्ती को लेकर आज अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। नियुक्ति को लेकर कहीं रास्ता साफ हुआ तो अब आरक्षण को लेकर पेच फंस गया है। तो लगातार अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि आरक्षण पर जो घोटाला सामने आया उस पर कार्रवाई हो और जो पद खाली पड़े हुए हैं रिक्त पदों पर नियुक्ति जल्द से जल्द हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और मेरे साथ देखते रहिए प्राइम टीवी।